अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इटीसी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था, बहुत सारे ऑपरेशन इन बेसिक, उसमें मैथमेटिक ऑपरेशन को डिस्कस किया था, उसमें प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, डिविजन था, उसके अलावा मॉडुलस था, इंटीग्रेशन डिविजन था, डिवाइड था, ये सारे क्या थे, अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स का सेकंड पार्ट 2.11.2। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जो के दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम आते हैं, क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। इट कंपेयर टू वैल्यूज, इट कंपेयर टू वैल्यूज इट्स आंसर इज ट्रू और फॉल्स। ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है और हमें आंसर प्रोवाइड करता है। आंसर प्रोवाइड कैसे करता है कि वो ये कहता है कि एक केजर जो हमारा है वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर एक ही वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 20 के साथ तो क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। या हम कहते हैं जी अगर a इज इक्वल टू 20 तो क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। मीन के इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स को सही नहीं है, तो कुछ स्टेक्स है, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। सेम ऐसी तरह अगर हम इसको इंग्लिश में कंपेयर करें तो हम इफ की कंडीशन लगाते हैं। इफ हम यही कहते हैं कि अगर मैं कल बारिश हुई तो मुल्तान जाऊंगा, अगर नहीं हुई तो मुल्तान नहीं जाऊंगा। अगर बारिश होती है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, बारिश हो गई तो मुल्तान जाएगा। अगर बारिश नहीं होती तो फॉल्स आ जाए, वो मुल्तान नहीं जाएगा। सेम इसी तरह इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट हम ट्रू या फॉल्स कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसके अंदर एक वो डिस्कस कर रहे हैं, बुक का पेज 39 पर है, दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन जीरो वैल्यू मोस्ट केस 1 इफ द रिलेशन ऑफ एक्सप्रेशन एवलेट ट्रू और जीरो। हम क्या करते हैं, ट्रू होगा तो 1 आंसर पे आ जाएगा, फॉल्स होगा तो 0। ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद देयर आर 6 बेसिक रिलेशन ऑपरेटर, द बेसिक्स सपोज ए बी सी आर 3 इंटीजर वेरिएबल हैविंग वैल्यू 1, 2, 3, 2, 1, 5, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। देन उसमें ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हैं, रिलेशन ऑपरेटर में 6 ऑपरेटर होते हैं। वो कौन कौन से हैं जी, इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू इसका साइन क्या है, इक्वल का। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑपरेटर है वो है हमारे पास लेस देन, अगर वैल्यू लेस देन हो, लेस देन, ग्रेटर देन। उसके बाद हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इसके लिए क्या करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये साइन है। इसी तरह अगर आप आगे चले तो आगे हमारे पास है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास नॉन इक्वल टू है, अगर हमारे पास वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या यूज करते हैं, ऐसे साइन यूज करते हैं। अगर इसी तरह हम चले जाएँ क्या कहते हैं जिसके ऊपर नॉन इक्वल, हमारे पास 6 ऑपरेटर होंगे, इक्वल टू कंपेयर, इक्वल का साइन इक्वल के आ गया, लेस देन का ऑपरेटर आ गया, उसके बाद ग्रेटर देन का ऑपरेटर आ गया, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल ऑपरेटर है। मीन के ये हम जैसे मैथमेटिक्स में यूज कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन बता रहे होते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर है
बताते हैं कि इसकी ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम क्या ट्रस्ट जा रहे हैं। अगर हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता तो हम क्या कहते हैं जी, ट्रू है। अगर रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आता तो हम क्या कहते हैं जी, ये फॉल्स है। इसी तरह एग्जाम्पल में उसने एग्जाम्पल दी है कि 1 2 3 215 है, 213, वो ये कहता है कि अगर 215 इज ग्रेटर देन 213, 215 ग्रेटर 213 है ना, तो क्या होना चाहिए, 1 आ जाए या ट्रू आ जाए। अगर हम लिख देते हैं 215 ग्रेटर 215, क्या ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ फॉल्स लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम आगे चलें तो अगला जो हमारे पास से वो है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर बात है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में कि हम जब उससे कोई लॉजिक अप्लाई करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, जब हम लॉजिक बता रहे होते हैं हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो तो ये आंसर आ जाए, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो ये आंसर आ जाए। लॉजिकल ऑपरेटर लेट वी कंबाइन सिंपल कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वन। हम क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लेट्स कंबाइन एक मुश्किल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफ कंडीशन लगाकर हम क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं, तो उसे क्या कर कोई लॉजिक लगा देते हैं उसके ऊपर। बाई कंडीशन वी मीन एन एक्सप्रेशन एवेल्युएटिंग द ट्रू आर फॉल्स, वही कंडीशन जो कि ऑपरेशन ऑपरेटर में यूज करते हैं ट्रू आर फॉल्स की, हम वही सेम कंडीशन पे अप्लाई कर देते हैं। These are three logical operators in basic. इसमें क्या है जी, तीन basic operators हैं, कौन कौन से, and or catch not, ये तीन operations इसमें हम use करते हैं। हम क्या करें इसमें, जब भी हमने कोई logic बनानी हो उसके लिए हम तीनों use करेंगे, and or not. There are logical operators, for example, and we combine two conditions, evaluate to true, if both conditions are true, otherwise it evaluates the false. And we क्या होगा कि अगर both condition अप्लाई करते हैं। इसी तरह
ऑपरेटर नॉट व्हेन अप्लाइड टू अ कंडीशन रिवर्स रिजल्ट। नॉट क्या होता है जी, हमारा रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। नॉट क्या कहता है जी, रिवर्स द वर्ड। It means that if the condition evaluated to true, the logic not operator evaluate false and the vice versa. In the expression, logical operations are performed after arithmetic and relational operation. Logical operation कब perform होता है? जब हम relational को use करें या arithmetic operation को use करें होते हैं तो हम इसको logical operator को use करते हैं। उसमें नीचे table दिया है, not क्या है जी, x value x है, अगर x है तो क्या कर देगा, not x, हम कहते हैं वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, वो कहेगा नॉट एक्स। अगर हमारा ट्रू है तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर ट्रू फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। इसी तरह उसने नीचे टेबल के अंदर एंड का दिया हुआ है, एक्स फॉर वाई, एक्स एंड वाई, अगर दोनों ट्रू ट्रू, अगर इसमें से एक ही फॉल्स हो गया तो फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसी तरह और में क्या है जी, एक्स और वाई और कर देंगे, अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू, अगर ट्रू और पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ट्रू, अगर पहला फॉल्स उस ट्रू फिर भी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स होगी वो तब भी फॉल्स होगा। ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। उसके बाद है जी कंकेटिनेशन ऑपरेशन, कंकेटिनेशन ऑपरेशन ऑपरेटर।